आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिंक ब्रदर समस्याएं हम आती है हमारे सीएसपी भाइयों के साथ में, उसे कैसे सॉल्व करना है। और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का बहुत कमेंट्स था, वो भी आगे मैं दिखाऊंगा। टेलीग्राम ग्रुप का पूरा मैसेज मैं आपको दिखाने वाला उस वीडियो में। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये टेलीग्राम ग्रुप है A to Z नेट समाधान SBI CSP के लिए स्पेशली टेलीग्राम ग्रुप है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। 247 मेंबर इसमें ऐड हो चुके हैं और इसमें हर एक जगह से लोग जुड़े हुए हैं और अपना अपना राय रखते हैं, जो भी उनकी समस्याएं होती हैं वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। आप लोग भी चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप का CSP ग्रुप का आप हिस्सा बन सकते हैं। ब्रांच वाले सुनते नहीं है, इनका ये कमेंट था ब्रांच वाले सुनते नहीं है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसका यही एक उपाय है कि हम सब मिलकर एक एक ऑल ओवर इंडिया यूनियन बनाए और मांग रखें। आप इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें एक भाई साहब ने मेरे से बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि पर डे हम लोगों के साथ होते रहते दुर्घटना हो रही है, जैसे मर्डर, लूट, ETC, यानी कि इनका कहना है ये सब देखते हुए भी कहीं ना कहीं हम लोगों को एक होना ज़रूरी है, कोई हम सबके लिए सोचने वाला नहीं है। मेरे भाई ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। और एक भाई साहब पूछते हैं ये ग्रुप ही हम लोगों का एक सहारा बनेगा, सब अपने आप लिंक CSP भाई को बोले वो ऐड हो जाए। मेरे भाई बिल्कुल इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करें हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कितने CSP अभी, यानी 240 मेंबर्स उस समय तक ऐड हो चुके हैं, तभी तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और ये भाई साहब का कहना है कि मेरे इस देश में 80,000 तकरीबन CSP चलते हैं, ठीक है, जिसमें से अगर ज़्यादा नहीं, अगर कुछ लोग अगर जुड़ जाते हैं इस ग्रुप के साथ में, तो आप समझ सकते हैं कि जो हम लोग का जो समस्या है वो किस हद तक दूर हो सकता है। तो ये इस तरीके का ये ग्रुप है, आप लोग देख सकते हैं, इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, आप अपना अपना राय इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आप मेरा ऊपर का हेडिंग भी देख लेंगे आप लोग, आप लोग का ये प्यार है कि मैं इस हेडिंग के साथ चलने के लिए तैयार हूँ, और आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐसे ही मोहब्बत बना के रखें और जुड़ते रहें, तो ये सिलसिला जो है आगे तक ही चलता रहेगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि लिंक ब्रांच में हमारा काम नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है नहीं हो पाता होगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब में से कुछ लोगों का हो जाता है, यही बहुत बड़ा समस्या का जड़ है। अगर एक लिंक ब्रांच में 10-12 CSP है, उनमें से अगर 4-5 बंदे का काम हो जाता है, बाकी लोगों का नहीं होता है, ये आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उसको कैसे दूर करना है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि जो भी समस्याएं हमारे बैंक मित्रों के साथ आ रही है, हमारे CSP भाइयों के साथ आ रही है, उसे कैसे सॉल्व करना है, ताकि कोई भी उसके ऊपर उंगली ना उठाए। और एक बात मैं उन CSP भाइयों के साथ भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई आप पर उंगली ना उठाए और आपके लिए कोई और आगे चल के बोले, बात करे, उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप को भी अपडेट करना होगा। अपडेट मीन्स कि आप अपने आप को भी ऑनेस्ट प्रूफ करना होगा, आपको भी ईमानदार होना होगा। अभी मैं आपका साथ दे पाऊंगा और आपके जितने भी मेंबर्स हैं इस ग्रुप में वो आपको साथ दे पाएंगे। और आपकी जो ये सोच है ना कि CSP को हमको ऊपर लेवल तक लेके चलना है और हमें कोई समस्या ना हो, चाहे वो लिंक ब्रांच से हो, चाहे रास्ते पे कोई घटना हो, या फिर दीगर जो भी आपकी समस्याएं होती हो, अगर ना हो तो सबसे पहले आपको बी ऑनेस्ट, आपको पहले ईमानदार होना होगा। तो हम लोग उसके लिए शुरुआत कहाँ से करें, सबसे बड़ी बात आ जाती है कि हमको शुरुआत कहाँ से करना है। किसी को बदलने से पहले सबसे पहले आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे। आपको करना क्या है कि आप अपने लिंक ब्रांच के जो भी आपके भाई हैं उनको एकजुट करना है, यानी कि एक होना है, आपस में विवाद नहीं करना है, आपस में एक दूसरे से मन मुटाव नहीं करना है, तो ही आप एकजुट हो पाओगे। और इस मुहिम में आगे चलने के लिए आपको एकजुट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, आप लोग क्या करेंगे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं। और टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारे साथी ने अपना अपना राय रखा था, और मेरा भी ये राय है कि आप लोग क्या करें कि आप अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, अपने लिंक ब्रांच में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग भाई आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको क्या करें कि उस व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड करें। अब क्या करना है आपकी मर्जी है, या तो उस ग्रुप में मुझे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको एक दूसरे का जो भी मतलब राय होगा आप एक दूसरे से शेयर करते रहेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे लिंक ब्रांच में होने वाली समस्याओं को अपने ग्रुप में शेयर करें। आपकी जो भी समस्याएं आती है, मैं जानता हूं कि ब्रांच मैनेजर जो है वो सपोर्ट करते हैं, बट
ब्रांच मैनेजर सर की जो सेनाएं हैं, जो सेनाएं हैं ब्रांच, वो लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। मैं एग्री करता हूं मैं आप लोगों की बातों से, क्योंकि आप लोगों ने टेलीग्राम में जो पूछा है मुझसे, ब्रांच मैनेजर सपोर्ट करते हैं, लेकिन ब्रांच मैनेजर क्या है कि एक एज ए गार्जियन है, वो सबको सुनते हैं, वो आपको अपना समझते हैं, बट उनकी जो सेनाएं है ना, वो आपको अपना नहीं समझती है, वो आपको पैसे का एक जरिया समझते हैं। कहीं कहीं लिंक ब्रांच का ये कंप्लेन है मेरे साथ, उन्होंने शेयर किया है अपना पर्सनल दर्द उन्होंने। तो इसलिए क्या करें, जो भी समस्या है आपको ग्रुप में शेयर करना है, एक दूसरे को बताना है कि ये समस्या आ रही है। आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, लिंक ब्रांच को ग्रुप को ए टू जेड नेट समाधान के ग्रुप से भी जोड़े। मैं बता रहा था कि इसको क्या करना है कि टेलीग्राम जो ग्रुप है आपका सीएसपी का, उसके साथ में क्या करना है, जोड़ देना है। क्या होगा कि उनको भी नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे और उनकी भी जो राय होगी, आप लोग भी अपना अपना राय। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपके लिंक ब्रांच में होने वाली समस्याएं क्या है। अभी इतना करने के बाद, क्या क्या करने के बाद, आपने सबसे पहले बात अपने आपस में जो भी आपके ब्रांच में जो सीएसपी हैं वो सब एक हो गए, जो भी आप लोगों का ग्रुप था क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद में डिसाइड करना है कि हमारे लिंक ब्रांच में क्या समस्याएं आ रही है। जैसे आप लोगों को समस्या आ रही होगी केवाईसी, स्टॉप, आधार सेटिंग, कैश काउंटर पे खड़ा करके कैश जो मिलता है हमारे बहुत सारे सीएसपी भाइयों को हमारे 10-10 का नोट, फटाफटा नोट मिलता है, और बहुत सारे हमारे ऐसे सीएसपी भाइयों को जो उस लिंक ब्रांच के ब्रांच मैनेजर की जो सेनाएं होती है, उनका जो देखने का नजरिया है ना सीएसपी को, थोड़ा बड़ा अलग रहता है। मैंने महसूस किया इस चीज को, आप लोग भी महसूस किए होंगे। बस यहाँ पे आपका मैं 60 सेकंड का और टाइम लेना चाहूंगा, इसके बाद फिर आगे हम लोग इस पे कंटिन्यू करेंगे कि इस पे जो समस्याएं जो हैं उसे कैसे सॉल्व करना है। आपसे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, और जो भी मतलब मैं किसी को प्रमोट करना चाहता हूँ उसके लिए भी मैं अभी तक किसी से पैसे नहीं लिया। हैंडीकैप है, इनके एक हाथ नहीं है, सो मैं इनके लिए भी प्रमोट किया था। ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, इनको भी बिजनेस करना था, इनको भी तो पैसा करना था, तो मैं इनको प्रमोट किया था। ठीक उसी प्रकार से एक एफिलेट है, आप देख सकते हैं, जोया डिजिटल शॉप, एक स्टूडेंट है और इन्होंने अपना जो डिजाइन है ये सब ये हमसे ही कराए हैं, क्योंकि मैं वेब डिजाइनिंग भी करता हूँ, मेरा पैसा यहाँ से भी आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इनका एफिलेट का इनका एक वेबसाइट डिजाइन किया था, तो इनका ये स्टूडेंट है, ये इनको मतलब पढ़ने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही थी, तो मैंने ही इनको कहा था कि आप अपना वेबसाइट खुद का एक बना लीजिए, अपने शेयर करेंगे तो एफिलेट से भी आपका इनकम आएगा, जिससे आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते। इनसे मैंने इस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए 1 रुपया इनसे मैंने नहीं लिया है। अभी हमारे अपने हैं जो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और सही जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ, तो मेरे को लगा कि आप लोग भी इस साइट को, इस एफिलेट को आप प्रमोट करेंगे, आप यहाँ से कोई चीज खरीदारी करते हैं डायरेक्ट आप अमेजोन से ही खरीदारी करेंगे। अगर कोई भी सामान अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं अमेजोन पर जाकर के, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन इस साइट पर आकर के कोई भी सामान अगर आप खरीदते हो, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लेते हो, तो आपका 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लगने वाला है। इसके लिए क्या करना है मेरे भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे औरतों का जो फैशन का जो भी सामान होता है यहाँ पे अवेलेबल है, जेंट्स का जो भी है फैशन का सामान आपको यहाँ पे अवेलेबल है, जैकेट हो गया, हेडफोन, बैग्स, बुक, आप कुछ कुछ जो कैटेगरीज है जो मैंने डाले हैं, ताकि मेरे जो भी सेफ्टी भाई है बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो बुक पे अगर क्लिक करते हैं तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये 4-5 बुक है, अगर आप लोग अपने जीवन में इस बुक को पढ़ते हो तो काफी बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। और मैंने सीएसपी भाइयों के लिए ही डाला हुआ है, खास करके कंप्यूटर एसोसरीज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, स्कैनर में आपका मार्फो अगर लेना चाहते हैं तो मार्फो पे सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मार्फो के यहाँ पे आपको वायर मिल जाएगा, बहुत सारे सीएसपी भाई का तार कट जाता है, तो यहाँ से खरीद सकते हैं आप। क्लिक करते हैं प्रोडक्ट पे तो यहाँ पे एक छोटा सा आपका रिव्यू आएगा, यहाँ पे केवल आप बाय नाउ करेंगे तो डायरेक्ट आप अमेजोन पे जाएंगे। इससे क्या होगा कि कुछ पैसे इनको भी मिल जाएंगे, जिससे आपको भी मदद मिलेगा यहाँ पे, यानी कि आपके जरूरत के लायक जो भी सामान हो यहाँ पे। मेरा काम है थोड़ा सा प्रमोट कर देना है, आपकी मर्जी है कि आपको अच्छा लगता है तो इनके साइड से भी जाके आप लोग खरीद सकते हैं। इनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टाइम टाइम पर मैं टेलीग्राम या फिर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इनका कुछ लिंक मैं अगर शेयर करूंगा तो आप लोग उसको आप लोग माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है कि आपको कोई चीज खरीदना हो और इनके माध्यम से अगर कुछ आप खरीद लेते हो तो इनका भी भला हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं, जो आपकी जो समस्याएं हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करना है। हमारे सीएसपी संचालकों में भी कमी है, जो प्रॉब्लम आपको लिंक ब्रांच से ये सब आती है वो क्यों आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी है। वो कमी क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वो कमी ये है मेरे भाई, पैसे देते हैं केवाईसी के लिए, और देते क्या है, कुछ उधर से भी ऑफर आता है कि आप लोग ये सब काम करा रहे हो तो मुझे भी कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं किसी लिंक ब्रांच का नाम नहीं लेना चाहता हूं और मैं सारे लिंक ब्रांच को भी नहीं कहना चाहता हूं कि हाँ, लेकिन कुछ लिंक ब्रांचों का मेरे पास में कमेंट आया था और मुझे मैसेज भी आया था कि सर फला लिंक ब्रांच पैसे लेकर के केवाईसी करती है। ये कमी क्यों हुआ, ये क्यों उन लोगों को मतलब ये पैसे लेकर के करने की नौबत आई,
वो लोग जान रहे हैं कि ये लोग सीएसपी वाले भी केवाईसी के लिए ग्राहक से पैसे लेते हैं। सबसे पहले ये गलती हमको दूर करनी होगी। मुझे पता है कि बहुत सारे हमारे ऐसे संचालक हैं जो नहीं लेते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं। एक लिंक ब्रांच में 10 लोग हैं, 10 में से अगर 5 ने जाकर के अगर पैसे देकर के केवाईसी करा लिए, स्टॉप करा लिए, अपना आधार सीडिंग करा लिए, 5 क्या करेगा मेरे भाई? जो 5 ईमानदारी से काम कर रहा है वो कहां से पैसे लेकर देगा उनको? फिर उनका क्या केवाईसी नहीं होगा? क्या उनका क्या स्टॉप नहीं छूटेगा? टाइम लगता है, नहीं छूट पाता है, बहुत दिक्कत होती है। कौन है भाई? वो भी तो आपके भाई है ना, वो भी तो आपके सीएसपी संचालक ही है ना। घर में ये डिवाइड क्यों हो गया? एक का काम हो रहा है, एक का काम नहीं हो रहा है। चलो उसका काम होना हो, मेरा काम तो हो रहा है ना। इस तरीके का सोच लेकर अगर अगर आप चलेंगे ना, तो कभी भी आप लोग जो समस्या है वो सॉल्व नहीं होगा, आप हमेशा परेशान ही रहोगे। जिस दिन आप लोगों ने ये सोच लिया कि जो मेरा समस्या है वो सबका समस्या है, जो मेरा काम हो रहा है उसी तरीके से सबका भी काम होना चाहिए, आप अपने लिंक ब्रांच में ब्रांच मैनेजर सर को ये सब चीज एक लिखित रूप में प्रोवाइड कराइए कि सर जो भी हमारी समस्याएं हैं, ब्रांच मैनेजर की सेनाएं अगर आपके साथ कोई भी चीज अगर करती है, केवाईसी के ऊपर में कुछ ऐसा उनका डिमांड होता है, या फिर आपको फटा चिटा नोट देते हैं, या फिर काउंटर पे खड़ा करके देते हैं डायरेक्ट आपको एलएचओ, हर एक ब्रांच मैनेजर सर को ये कहा गया है कि कभी भी सीएसपी को कैश देने के लिए काउंटर पे खड़ा करके नहीं देना है, उसको अलग से देना है, अंदर में कैश देना है ताकि लोग उसे देखे नहीं। तो ब्रांच मैनेजर सर तो समझते हैं, बट उनकी सेनाएं इस बात को नहीं समझ पाती है। तो कौन समझाएगा? उनके सेनाओं को आपको समझाना है। अगर आपसे वो नहीं समझते हैं तो फिर जाके आप ब्रांच मैनेजर सर को कहिए, क्योंकि वो आपके गार्जियन है उस ब्रांच के, वो जरूर सुनेंगे आपकी बात। अगर वो नहीं सुनते तो फिर उनके ऊपर में भी कोई आपके है, डीसी है जो आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, उनको कहिए। ये सब कहीं ना कहीं आप कहेंगे तो ही होगा। आप जब तक कुछ बोलेंगे नहीं ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तक आप लोग कुछ अपना राय नहीं शेयर करेंगे तब तक कोई बदलाव होने वाला नहीं है। सबसे पहले आप अपने घर में एकता रखिए, आप अपने लिंक ब्रांच में ये जो समस्याएं आ रही है कमी अपने आप में ढूंढिए, आप लोग एक दूसरे को कमी दूर करिए, आपस में विवाद मत करिए। जो भी सीएसपी लिंक ब्रांच में लोग हैं अपना ग्रुप क्रिएट करिए, आप एक दूसरे से अपना अंडरस्टैंडिंग बना के रखिए, एक दूसरे से अपना तालमेल बना के रखिए। काम करना है तो सबको काम होना चाहिए, फ्री में होना चाहिए और सिस्टम से होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। तो इस तरीके से करेंगे तो आप, मुझे लगता है कि आप अपने लिंक ब्रांच की समस्या ये सॉल्व कर सकते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों की जानकारी आप सब को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।